हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक मजेदार सी जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं और मुझे लगता है ये रेसिपी ऐसी है जो आई थिंक के हर घर की फेवरेट होती होगी। जी हाँ, आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं मजेदार सा, सिंपल सा, इजी सा आलू गोश्त। जी हाँ, आज हम बीफ से आलू गोश्त बनाएंगे और बहुत मजे से बनाएंगे और बहुत इजी बनाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो आज हम जो आलू गोश्त है वो इंस्टापॉट में बना रहे हैं, बट लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको भी इंस्टापॉट में बनाना हो। आपके पास जो प्रेशर कुकर होता है उसमें बना सकते हैं और जो लोग इंस्टापॉट यूज करते हैं उनके लिए तो इजी है। तो सबसे पहले हम अपना सॉटे मूड ऑन करते हैं। अच्छा, मैं बताती चलूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सॉटे मूड क्या है जिनके पास नहीं है और इंस्टापॉट। तो ये ऐसी है जैसे हमने कोई भी पैन पतीली लेकर चूल्हे पे रख दी, ये जस्ट ऑन हो गया है और रख दिया वो जस्ट, ये अभी बिल्कुल ठंडा है क्योंकि हमने सिर्फ ऑन करा है। तो वो जस्ट हमने ऑन करने के लिए, पतीली जैसे गर्म होने के लिए रखी जाती है वो, ठीक है। तो ये अभी हमारा बिल्कुल ठंडा है, जैसे हम गर्म करेंगे मतलब जैसे गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना डालेंगे ये गोश्त। ये मेरा बीफ का गोश्त है जो कि 2 पाउंड के आसपास है। ये सारा गोश्त चला जाएगा। और अच्छा, गोश्त डालने के बाद हम अपने जो है वो, मेरे पास ये 1 कप तली हुई प्याज है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास तली हुई प्याज हो, अगर नहीं है तो आप लोग पहले से तल के रख लीजिएगा और फिर अगर प्रेशर कुकर या इंस्टापॉट में बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिएगा। और चाहे तो ऑमलेट कर, जैसे बारीक बारीक होती है तली हुई प्याज वो भी, सॉरी तली हुई कह रही हूँ कच्ची प्याज वो भी आप डाल सकते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं इंस्टापॉट में। अच्छा, अब हमारा 1 टीस्पून ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला जाएगा सारा अच्छे से। अच्छा, ये जाने के बाद ये मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप लोगों को जितना पसंद हो उतना डाल लीजिएगा, जितना आप लोग लाइक करते हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा हुआ धनिया। अच्छा, ये देखें जैसे चूल्हा ऑन होता है और हमारा गरम गरम से हल्की सी आवाजें आने लगती हैं, ये बिल्कुल सेम देखें वही आ रही हैं। तो अब ये जो हमारे जितने इंग्रीडियंट्स हैं सारे मसाले स्पाइस, ये चले जाएंगे। अच्छा, ये देखें हमारा अब 1/2 कप ये जो है ये पूरा दही चला जाएगा इसके अंदर। दही डालने के बाद हम 1/2 कप टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी ना हो तो आप 2 मीडियम साइज के टमाटर, या हम 1/2 कप डालेंगे, 2 मीडियम साइज के जो टमाटर हैं उनको लेकर आप वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। देखें ये सब चला गया। अच्छा, ये देखें सब चीजें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो भून लेंगे, यानी कि भूनना क्या है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, आप लोग इस पॉइंट पे देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितना पानी ऐड करना है। इंस्टा पॉट में तो 1/2 कप पानी जाता है, तो ये मेरा 1/2 कप पानी चला गया, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को इसमें कितना पानी जो है वो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर अपने अपने हिसाब से होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं पानी डालने के बाद। और इसके बाद यहाँ अपनी लिड लगा देंगे। अच्छा, ये देखें लिड लगाने के बाद हम पूरा बंद कर दिया। अब ये जो सॉफ्ट मोड है ये हम कैंसिल कर देंगे और जो बीट है ये ऑन कर देंगे और टाइमर हम 20 मिनट्स का लगा देंगे। ये स्टार्ट हो गया है और ये देखें झटपट से, इसमें बस ये एक ईजी रहता है कि गोश्त, क्योंकि हम पतीली में अगर जैसे पॉट में बनाएंगे तो वो हमें जो है
तकरीबन 60 टू 70 मिनट्स लग जाएंगे। अगर आपको क्विक जल्दी बनाना हो तो ये बहुत बेस्ट वे है बनाने का। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट्स में। अच्छा ये देखें, हमारे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर की आपकी जो भी तरीका होता होगा सीटी वगैरह, तो बिल्कुल सेम इसका भी यही है। हम अपना प्रेशर रिलीज करेंगे, ये देखें, प्रेशर रिलीज हो जाए। उसके बाद हम अपना इसको ओपन करके देखेंगे कितना गोश्त गला है। ऑलमोस्ट गोश्त इसका टाइम यही है कि 15 टू 20 मिनट्स में गल जाता है। अच्छा ये देखें, इसका सारा प्रेशर रिलीज हो गया। हम एक बार फिर दबा कर भी चेक कर लें इसको बड़ा केयरफुली। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या पोजीशन है। क्योंकि अब हमें इसमें आलू भी ऐड करने हैं। ये देखें, तो अब ये मेरे पास जो मैंने अपने आलू लिए हैं, ये मैंने अपने दो आलू हैं ये मेरे मीडियम साइज के। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग को कितने आलू डालने हैं, क्योंकि हमारी यहाँ बहुत मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं पसंद करते आलू के गोश्त के अंदर। लेकिन ये कि जो है वो बस जितने मैं खा लेती हूँ और हम लोग मेरा बेबी खाता है आलू। तो ये देखें, ये हम अपने आलू डाल देंगे। अच्छा मुझे पानी की नीड नहीं है क्योंकि मेरा पानी उसी में ही बहुत है। अगर आप लोगों को देख लीजिएगा इस पॉइंट पे कि कितना जो है वो इसको गाढ़ा रखना है या कितना आप लोगों को पतला करना है, आप लोगों को शोरबा इस पॉइंट पे डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को कितना चाहिए। तो हम एक बार अपनी फिर लीड लगा देंगे। आलू को हम बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, हमारे आलू गल जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसको जो है वो थक के भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो है ये मैं प्रेशर पर ही लगाऊंगी, अपना प्रेशर करके, सॉरी इसको ऑन करके पर, और मैं प्रेशर करूंगी इसका डबल अप सिर्फ 3 मिनट का। 3 मिनट में हमारे आलू हो जाएंगे, आलू बहुत जल्दी हो जाते हैं। चले मिलते हैं आपसे 3 मिनट में। और ये देखें, हमारे 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमने प्रेशर अपना रिलीज कर लिया है इसका इंस्ट्रा पॉट का। और अब हम खोल के देखते हैं। सो वाओ, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। और ये देखें, तो ये बहुत अच्छे से गल चुका है आलू भी और गोश्त भी। तो हम अपना इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से, और 1 फुल हैंड हम अपना जो है वो धनिया डाल देंगे, कोरिएंडर। इसके अंदर सारा धनिया चला गया और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसको अपना डिश आउट करेंगे। चलें अब हम अपना इसको डिश आउट करते हैं। इतना जबरदस्त सा बना है, इसको आप रोटियों से खाएं, चावल से खाएं, जिससे भी खाएं। अच्छा मैंने बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शोरबा पसंद नहीं किया जाता। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों को कितना पसंद है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने सारा डिश आउट कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी गार्निशिंग के में डाल दिया है। तो चलें चलती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।